खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। देश एक सुर में यही बात कर रहा है कि तेलंगाना पुलिस ने जो किया सही किया। आज सुबह से देश में जश्न का माहौल है, दिसंबर में दिवाली मनाई जा रही है। हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर जैसे ही सुबह देशवासियों तक पहुंची, सब एक सुर में लोग पुलिस की जय जयकार करने लगे। देश के कोने कोने से बेटियों ने कहा कि पहली बार न्याय वक्त पर मिला है। देश आज कह रहा है इंसाफ जिंदाबाद। चाहिए था कि दूसरा देखे तो उसका रूह कांप जाए। सही हुआ। जो रेपिस्ट है वो थोड़ा सा डरेंगे। इससे सबको सीख लेना चाहिए कि आगे सबके साथ ऐसा हो सकता है। सतम साक्षम समाचरित, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। सजा से मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। जो तेलंगाना पुलिस कल रात तक सवालों की कटघरे में खड़ी थी, वो शुक्रवार को सूर्योदय के साथ ही देश की हीरो बन गई। इन तस्वीरों की मदद से आप देश की भावना को समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीरें आज बताएंगी पुलिस की एक कार्रवाई से पूरे देश में दिवाली क्यों मनाई जा रही है। तेलंगाना पुलिस पर फूलों की बारिश उनके राज्य में हो रही है, लेकिन उनके नाम का जयघोष पूरे देश में लगाया जा रहा है। ये जयघोष इसलिए है क्योंकि हैदराबाद गैंगरेप के बाद देश में उमड़े क्रोध को पुलिस ने अंजाम तक पहुंचा दिया। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि मतलब जो इन लोगों ने गलत किया वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैसेज हर एक इंसान के दिल में हो कि अगर वो कुछ भी गलत करता है तो वो इस देश में जिंदा रहने के लायक नहीं रहेगा। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे खबर आई कि गैंगरेप के चारों आरोपियों को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। ये खबर जैसे देश तक पहुंची, जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी, मिठाइयां बांटी जाने लगी। ढोल नगाड़े बजाए जाने लगे। स्कूल की बच्चियां खुशी में नाचने लगी। लेकिन एक एनकाउंटर पर देश इतना खुश क्यों हुआ, यह आप दो तस्वीरों से समझिए और दोनों तस्वीरों से आने वाली आवाजों को बारी बारी सुनिए। चंद रोज पहले इंसाफ की मांग को लेकर देश सड़क पर निकल चुका था। वी वॉन्ट जस्टिस के नारे गूंज रहे थे। ये तस्वीर उस पुलिस वैन की है
जिसमें आरोपियों को ले जाया जा रहा था। लोग पुलिस वैन के पीछे भाग रहे थे। आरोपी थाने के अंदर ले जाए गए। भीड़ ने थाने को घेर लिया था और वो आरोपियों को जनता के हवाले करने की मांग करने लगे थे। हमारी बहन है वो, हमारी बहन है, किसको भी नहीं छोड़ने का भाई, किसको भी नहीं छोड़ने का, हमारी बहन है। पुलिस वालों को बोलने का हमारा कुछ हक नहीं है, मगर उनको जो है ना कानवे चढ़ा दो, बोलो वहाँ पे जो है ना कोर्ट को हैंडओवर करो, बोलो मैं पुलिस वालों से हमारा कोई दोस्ती है, हमारा दुश्मनी नहीं है। सदन में खड़े होकर देश के नेताओं तक ने कह दिया था कि गैंगरेप के आरोपियों की सरेआम पीट पीट कर हत्या कर देनी चाहिए। I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 27 साल की डॉक्टर की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपियों को इतनी जल्दी सजा मिल जाएगी। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि गैंग रेप के आरोपियों के एनकाउंटर की नौबत आई ही क्यों? इस सवाल के जवाब के लिए तस्वीरें देखिए। ये वो बस है जिसमें गैंगरेप के चारों आरोपी सवार थे, और ये वो जगह जहां गैंगरेप के बाद डॉक्टर की जलाकर हत्या कर दी गई थी। सुबह 3 बजे पुलिस आरोपियों को इस बस में लेकर घटना स्थल पर पहुंची, ताकि पूरे सीन को रिक्रिएट यानी कब कहां क्या हुआ इसकी निशानदेही की जा सके। लेकिन पुलिस घटना स्थल पर जब आरोपियों के साथ अपना काम कर रही थी, उसी दौरान आरोपी पुलिस से उनके हथियार छीन कर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने आरोपियों को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई में चारों आरोपी मारे गए। ये वही जगह है जहां पर हैदराबाद की इस बेटी को बेरहमी के साथ जलाया गया, और इसी जगह पर जब सीन को रिक्रिएशन करने के लिए इन आरोपियों को यहां पर लाया गया, तो उस वक्त वे भागने की कोशिश करते हैं और तब एनकाउंटर में मारे जाते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये जो जगह है जहां से वे भागने की कोशिश करते हैं, और जब भागने की कोशिश की फिराक में रहते हैं, तो उस वक्त वो इस यहां से होते हुए इन खेतों में चले जाते हैं। ये जो खेत आप देख रहे हैं, इतना दूर तक जो है ये भाग निकलते हैं, उसके बाद पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और पुलिस जो है इन चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर देती है। हैदराबाद गैंगरेप को लेकर क्रोध किस सीमा तक था, आप उसे इस बात से समझिए कि देश के एक हिस्से को लग रहा है आरोपियों को बहुत आसान मौत मिल गई। इतनी आसान मौत, उन्होंने उनको मारा, इस सेंस में उन्होंने सही किया, बट इतनी आसान मौत दी, इस सेंस में उन्होंने गलत किया। एकदम सही किया है जो भी किया है पुलिस ने। इनफैक्ट मेरा तो कहना है कि उसे पब्लिक में ला के रखना चाहिए था, और पब्लिक उसके बाद डिसाइड करती कि क्या। यस, अगर वो पब्लिक डिसाइड करती तो वो और भी ज्यादा अच्छा होता। एकदम सही कि पब्लिक ही डिसाइड करना चाहिए था, उसको ऐसे ही नहीं, उसको जला देना चाहिए पब्लिक के सामने ही। सुनिए अपनी बेटी के गुनहगारों की मौत की खबर सुनकर पिता ने क्या कहा। जो हमारा बच्ची मर के आज 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर उनको इनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको लिए गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार और पुलिस और मैं जो मेरे साथ लोगों को सबको बधाई दे देता हूँ। मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता होगा। पुलिस ने जिस जगह इनकाउंटर को अंजाम दिया, वहाँ लोगों का जमावड़ा लगाना शुरू हो गया। देखिए कैसे लड़कियों से भरी बस अपनी पुलिस की हौसला अफजाई कर रही। इस कार्रवाई के बाद लोगों के लिए अपनी खुशी को शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल साबित हो रहा था। बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम लोग तेलंगाना पुलिस को बहुत ही मुबारकबाद देते हैं, और तेलंगाना पुलिस हमारे लिए कुछ कर सकती है बोल के हमें उम्मीद हुई है, और बहुत खुश है हम लोग, आज इतने खुश है कि बता नहीं सकते खुश। कहते हैं जब इंसाफ मिलने में देरी होती है तो वो इंसाफ नहीं माना जाता, और इंसाफ में देर होने का दर्द क्या होता है वो आप 2012 में दिल्ली में गैंगरेप की शिकार हुई निर्भया की माँ से सुनिए, जो 7 साल बाद भी दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकने का इंतजार कर रही है। कि उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, जिस तरह से वो क्रिमिनल थे, आज पुलिस के साथ उन्होंने भागने की कोशिश की, कस्टडी से पत्थर उठाया, तो पुलिस ने बिल्कुल सही एक्शन लिया है, बिल्कुल सही किया है, और एक समाज में नजीर पेश किया है। ऐसे ही हर दिल्ली, हर पुलिस को, राज्य की पुलिस हो, दिल्ली के पुलिस हो, यूपी के पुलिस हो,
शब को करना चाहिए। कह रहे हैं कि मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन आज भी वो मुजरिम जिंदा है। हैदराबाद की बेटी के गुनहगारों को सजा मिली तो इस माँ की आंख से आंसू निकल पड़े। इन आंसुओं में हैदराबाद गैंगरेप में इंसाफ मिलने की खुशी भी है और अपनी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाने का दर्द भी। बिल्कुल ठीक कह रही है निर्भया की मां कि तेलंगाना पुलिस ने देश के सामने नजीर पेश की है, क्योंकि तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई ने देश के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया है। लेकिन तेलंगाना पुलिस की इस कार्रवाई का चेहरा कौन है? कौन है एनकाउंटर टीम का मुखिया जो मातृभूमि के सबसे बड़े हीरो के तौर पर उभरा है? एक माँ और एक बेटी होने के नाते मैं उस जगह पे अगर होती तो मैं ये ऐसी ही न्याय देती थी वहाँ पर और ऐसे ही उनका एनकाउंटर करती। नहीं तो निर्भया केस में पिछले 7-8 सालों से जो न्याय वो परिवार मांग रहे हैं, कोर्ट के चक्करों पे चक्करें, चप्पलें कस गई, दिन निकल गए, जवानी से बुजुर्ग होने लगे, पर उस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला है। 7 दिन के अंदर इसलिए ऐसे एनकाउंटर करके खत्म जो कर दिया है, पूरा देशवासी, पूरा देश का महिला बहुत खुशी है क्योंकि इंसाफ मिला है। देखिए 2 घंटे में उसको रेप करके खून करके जला दिया गया है, उसके साथ जो हुआ है तो इसमें तो एनकाउंटर कुछ भी नहीं है। अगर इस निर्णय को पुलिस ने लिया है तो निश्चित तौर पर सही है। हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी यदि वो आसपास अपने पुलिस को देखती हैं तो। आज एक माँ, एक बेटी, एक बहन खुश है। और अपनी खुशी में वो तेलंगाना पुलिस को सलाम कर रही हैं। उनकी आंखों की चमक बता रही है कि तेलंगाना पुलिस ने जो काम किया है वो एक रक्षक ही कर सकता है। और इसी खुशी में वो तेलंगाना पुलिस अफसरों को रक्षा सूत्र बांध रही हैं। तेलंगाना पुलिस की इस कार्रवाई के हीरो हैं साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर वीसी सज्जनार। वीसी सज्जनार जो एनकाउंटर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। आज एनकाउंटर के बाद वीसी सज्जनार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पुलिस कमिश्नर सज्जनार अपनी गाड़ी से उतर रहे थे। इस एनकाउंटर को लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ किया कि उनकी पुलिस वैज्ञानिक तरीके से इस मामले की जांच कर रही थी। 4 तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए, 4 और 5 उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेलफोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए हम लोग ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे है, उसको हम लोग वहाँ पे हाई करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो 2 पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेन करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया, हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। हमला करने वाले ये आरोपी अगर पुलिस की गिरफ्त से भाग जाते तो पुलिस पर दाग लग जाता। अगर ये आरोपी, बलात्कार के आरोपी भाग जाते हमेशा के लिए, केवल साहिबाबाद पुलिस पर नहीं, इस पूरे भारत की पुलिस पर, उनकी वर्दी पर एक बहुत बड़ा कलंक होता। लेकिन तेलंगाना पुलिस ने दाग नहीं लगने दिया और अपनी कार्रवाई से देश की नजरों में पुलिस का मान बढ़ा दिया। गैंगरेप के आरोपियों की मौत की खबर सुनकर देश के एक आम नागरिक के दिल की भावनाओं का कैसा गुबार उठा उसे आप इस तस्वीर से समझिए। एक शख्स हैदराबाद पुलिस के पैरों में लेट गया, मानो उसे भगवान समझकर वो कह रहा हो कि आपने न्याय कर दिया, आपने गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। किसी ने तेलंगाना पुलिस के अफसरों को गोद में उठा लिया तो किसी ने उन पर फूलों की बारिश कर दी। सदन में बीजेपी सांसद और वकील मीनाक्षी लेखी ने भी कह दिया कि कानून के लिहाज से भी जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। हैदराबाद में जो हुआ, एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है
अगर जैसी करनी वैसी भरनी कोई गलत काम करेगा और उसके बाद पुलिस के हथकड़ी छोड़कर भी भागने की कोशिश करेगा तो पुलिस को जो वेपन दिए गए हैं, जो बंदूकें दी गई हैं, वो सजाने के लिए नहीं दी है, उनका उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और कानूनी रूप के तहत उसकी FIR दर्ज होगी, NHRC को जाएगा और उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। देश एनकाउंटर नहीं चाहता, देश तो बस गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचते हुए देखना चाहता है ताकि इंसाफ मिलने में देर ना हो, और तेलंगाना पुलिस ने दोषियों को अंजाम तक पहुंचाकर ये संदेश दे दिया है।